हिंदुत्व शब्द को भारतीय संविधान से बदलने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका। ये कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट। बड़ी खबर आपको बता रहे, हिंदुत्व शब्द को भारतीय संविधान से बदलने की मांग और मांग को लेकर दायर जनहित याचिका खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका और ये कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये एक बड़ा स्टेटमेंट, हिंदुत्व शब्द को भारतीय संविधान से बदलने की मांग पर एक याचिका। और इस याचिका को आपको बताते चलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मांग को लेकर दायर जनहित याचिका जिसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है और ये कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो हिंदुत्व पर सुप्रीम कोर्ट का यह स्टेटमेंट, हिंदुत्व शब्द को भारतीय संविधान से बदलने की मांग की और मांग को लेकर दायर जनहित याचिका खारिज। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, हिंदुत्व शब्द को भारतीय संविधान में बदलने की मांग और ये याचिका खारिज, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है? देखिए, इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता ने हिंदुत्व शब्द की जगह भारतीय संविधान तत्व के इस्तेमाल की मांग जो है वो सुप्रीम कोर्ट से उठाई थी। जैसे ही याचिकाकर्ता डॉक्टर एस एन कुंद्रा ने बहस की शुरुआत की, सीजीआई ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए याचिका को खारिज कर दिया। और सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का कहना था कि इस तरह की जो याचिका है वो न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है, क्योंकि ऐसी याचिका पर हम दखल नहीं देंगे, लिहाजा सीजीआई की बेंच ने ये कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। निश्चित तौर पर याचिकाकर्ता को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हिंदुत्व शब्द को भारतीय संविधान से बदलने की मांग उठाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस तरह की जो याचिका दायर होने से कानूनी प्रक्रिया का एक तरह से दुरुपयोग होता है और इस तरह की जो याचिका है उसे कंसीडर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट भी है कि ये कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, इन तमाम जानकारियों के लिए।